नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेके स्टूडेंट एंड देसी बॉय यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे एक डिटेल्ड रिक्रूटमेंट्स के बारे में। आपको बता दें कि बीएसएफ की एक और रिक्रूटमेंट्स निकलकर सामने आ गई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे के अनुसार, जो कि नोटिफिकेशन हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं 9682301150 मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सबसे सटीक और सही और सबसे फास्ट जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती है। कोई भी नया फॉर्म निकलता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाता है और उनके ऑनलाइन फॉर्म भी फिल किए जाते हैं। उनके सिलेबस पैटर्न और उनका क्या रहता है प्रोसेस, वो सारा व्हाट्सएप ग्रुप में आता है। वन टाइम एंट्री पेमेंट 30 रुपीज़ करके आप लोग ग्रुप में आ सकते हो। ठीक है, आप लोगों को बता दें शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर कॉम्बाइट स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्टर कॉम्बाइट मिनिस्टर इन सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स कैप्स एंड बैरेंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट एंड हवलदार क्लर्क की वैकेंसी देखने को मिली है। बॉर्डर सिक्योरिटी इज कंडक्टिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफी कॉम्बाइट स्टेनोग्राफर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर। अब सबसे बड़ा डाउट बच्चों के माइंड में है कि कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर द मेल एंड कैंडिडेट हु आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स इन इंडिया। कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन वन पोस्ट ओनली, यानी कि एक बंदा एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। हम खुद फॉर्म फिल करके देंगे इसका आप लोगों को। ठीक है, कैसे आप लोगों को फॉर्म फिल करवाना, क्या फीस है, क्या सिस्टम है, कितना आप लोगों को रिटर्न पैटर्न सिलेबस और क्या कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये डाटा डिटेल्ड एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, आपको क्लियर करवा दें कि 9 जून को इसका फॉर्म लगेगा। कब लगेगा इसका फॉर्म, 9 जून से फॉर्म ओपन है और 8 जुलाई तक रहेंगे। लास्ट में साइड वगैरह नहीं चलती, अगर फिल करना होगा तो स्टार्टिंग में फिल करवा लेना। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर कॉम्बाट स्टेनोग्राफर एंड वारंट ऑफिसर्स की जो वैकेंसी है। आप लोग को बता दें कि जहाँ पर ITI मांगी हो सकती है स्टेनोग्राफी की, अभी ITI का एडमिशन ओपन है, आप लोग ITI एडमिशन नहीं ले रहे क्योंकि आपको कितनी बार आपको बोला है कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है ITI का, चाहे आप लोग किसी भी फील्ड में करो ITI के रिलेटेड फॉर्म लगते रहते हैं। तो इसमें ज़्यादातर बॉय कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो ITI के भर सकेंगे। 21 पोस्टें CRPF में हैं, BSF में 17, 56 ITBP में हैं और आप लोग 146 CSF में हैं। SSB में 3 पोस्टें हैं। हेड कांस्टेबल हवलदार और क्लर्क की जो पोस्ट है, जो सिंपल बारहवीं वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, आपको पहले बता रहा हूँ 282 CRP में लड़के और लड़कियों की पोस्टें हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लिए। BSF में 300 पोस्टें हैं लड़के और लड़कियों के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए। जो सिंपल बारहवीं पास आर्ट्स वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर पाएंगे। हेड कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, इसमें में भी टाइपिंग हो सकती है। टाइपिंग आप बाद में सीख सकते हैं जब आपका रिटर्न पास हो जाए। इस फॉर्म की तैयारी करनी है आपको, सिलेबस वगैरह हम आप टाइमली प्रोवाइड करवा देंगे। आपको बता दें कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है देसी बॉय स्पेशल MCQ ग्रुप। उस ग्रुप में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस के एग्जाम पैटर्न, जम्मू कश्मीर पुलिस के रिलेटेड भी क्वेश्चन, बेस्ट PDF सिलेबस पैटर्न उसी ग्रुप में आता है। वो भी आपको ज्वाइन करना है, उसकी वन टाइम एंट्री 50 रुपये है। उसमें आपका रेलवे वगैरह का सिलेबस भी रहेगा। ठीक है, SSB में 5 पोस्टें हैं, असम राइफल में 35 पोस्टें हैं क्लर्क वगैरह की। ये क्लर्क हवलदार क्लर्क जो है ये सिर्फ असम राइफल में है, बाकी हेड कांस्टेबल हवलदार की पोस्ट जो है वो अदर मिल जाएगी। जो ऊपर वाली पोस्टें हैं जो स्टेनोग्राफी के है, जिसने स्टेनोग्राफी की है ITI वो ही कर पाएगा। यह वैकेंसी इंक्रीज का ऑप्शन है, देख सकते हैं नंबर ऑफ द वैकेंसी गिव बी टेंटेटिव, मतलब कि ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, बट कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती है, इसलिए फॉर्म को अप्लाई करना है। 10% EWS को कोटा मिलेगा, एक्स सर्विसमैन को कोटा मिलेगा। कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करना है, अप्लाई करने की टेंशन आप लोग लो, वो हम आपको खुद करके देंगे। ठीक है, आप लोगों को बता दें कि फीस इसकी ज़्यादा नहीं हो सकती, 100 रुपया 200 रुपया से ज़्यादा फीस होने की संभावना नहीं है। तो आप लोग रेडी रहें इस फॉर्म के लिए, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन होता है ग्रुप में बता देंगे। अब हमने ग्रुप में शॉर्ट नोटिस डाला है, इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आएगा। उम्र की बात करें तो 18 से 23 साल जनरल की हो सकती है, जहाँ तो ज़्यादा से 25 साल हो सकती है। SC ST OBC को 3 साल 2 साल की छूट। ठीक है, आपको क्लियर करके बता दिया। न्यू से न्यू रिक्रूटमेंट्स अभी आएंगी। आपको मैंने पहले बोला था कि काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है जो कि हवलदार की रहेगी, और ये कोविड इलेक्शन की वजह से रुके हुए थे, धड़ाधड़ रिक्रूटमेंट्स नोटिस आने वाले हैं। ठीक है,